बात यह कि अब दलाल को छोड़ें, असल में बात यह है, बाबा जी ने फरमाया हुआ है कि तुम बस इसी वजीफे को पक्का करो, तुम यही वजीफा पक्का करो कि ये मुल्क जिस ज़ात ने बनाया है उसी ज़ात ने इसकी हिफाजत करनी है। पहले भी ऐसा होता है, पहले हमारे करने पर नहीं हुआ। अब रशियन इन्वेजन से लेकर अमेरिकन इन्वेजन तक पूरा दास्तान देख लें जी, किसने हिफाजत की? हमने हिफाजत की खुद। तो उसके मुकाबले में ये वाला जो सिनेरियो तो बहुत छोटा है। वो सिनेरियो देखें ना, 79 वाला, 2001 वाले सिनेरियो देखें, उसके मुकाबले में ये जो करंट सिनेरियो, ये छोटा ट्रेलर है। और जब रशियन फौजें काबुल में दाखिल हुई थी, और उस वो क्या था, बर्जनीफ था, कौन था वो, उसके पहले उसने वो ग्वादर पर लाल दायरा लगा दिया था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, है ना, सुपर पावर पाकिस्तान एक चिड़िया सी छोटी सी फाख्ता उसके मुकाबले में जी। और दो एकल जिन है ना रशिया उस ज़माने में, वो इवन रशिया की जो स्ट्राइकिंग पावर थी वो उससे भी ज़्यादा थी, अमेरिका से भी ज़्यादा थी, आप लोग जानते हैं। और वो काबुल में दाखिल होने के बाद जो है ना दायरा लगा रहा है बलूचिस्तान में, तो उस वक्त कोई कैलकुलेशन में आ सकता है कि बाजी पलट भी सकती, बाजी कैसी पलटी? फिर आप लोगों ने यू टर्न लिया जब 2001 में जान बचाने के लिए जी, कि अपनी जान बचाओ, अमरीकी फौज को अड्डे दे दिए, एयर स्पेस दे दिए, और बिल्कुल एक किस्म के बेदस्तूर हो गए ना कि आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करें। तो उस वक्त भी कोई गुमान कर सकता था कि वो लोग यहाँ से जीलो खार होकर निकलेंगे। हैं इसको भी ऐसे ही, इस वक्त भी ऐसे अंडरपोक लोग हैं, बुजदिल लोग हैं। ये भी वो एक बड़े लिखे यानी कि इखलाकी आवाज़ के साथ इस वक्त सिर्फ एक बंदा खड़ा है जो नफा नुकसान नहीं देख रहा, वो कह रहा नहीं असूलों पर बात करो, जो अखलाकी असूल है उस पर बात करो, बाकी सब लोग ग्राउंड रियलिटी का अकर आग जो है ना अराग लाप रहे हैं ना सब लोग, या डर से या लालच से। भाई हमने ये सोचा था कि महफिल में सियासत डिस्कस नहीं करनी है, आपने फिर वो हाँ वतन का मामला है। बाकी दोबारा जरा, नौमीद ना हो इनसे ऐ रहबरे फरजाना, ऐ रहबरे फरजाना, कम कोश तो है लेकिन हाँ बेजौक नहीं रहा, बेजौक नहीं रहा। जब इश्क सिखाता है हाँ, और जब इश्क सिखाता है गुलामों को, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा का, आदाब खुदा का है, बोलते हैं गुलामों को असरार शहनशाह। जी बिल्कुल ऐसे ही, कम पोस्ट जो है लेकिन बेजौक नहीं है, बेजौक। कामना साहब की माशाल्लाह इकबाल याद बड़ी स्ट्रांग है। ये पहली सीढ़ी थी वाकई।
जो बंदा रूहानियत का मुसाफिर होता है ना, वो इकबालियात में हमें उसका दिल बड़ा लगता है। वैसे उस जमाने में जब इकबाल ऐसी बातें करते होंगे आज़ादी की, ग़ुलामों पे खुलते हैं असरार शहनशाही, इस तरह की बातें, हाँ जी, तो इनके जब ना मुल्क अपना था, हम अकलियत में थे, पिसे हुए थे, तो कई फरजानों के लिए तो ये बातें दीवानों की सी होती होंगी। पता नहीं यार इकबाल कौन सी दुनिया की बातें करते हैं, ये बला को बात है करने वाली, बाहर निकल के देखें क्या भाव मिल रहा है आटा है? और आप कह रहे हैं जी के ग़ुलामों पर असरार शहनशाही खुल जाएंगे हैं जी। तो ये सब पैराडाइम और है ना चीज़ों को समझने का। कुव्वत-ए-बर्दाश्त की आप बात की ना, तो जिनके आदमी